क्या आपके गवर्नमेंट में डिसीजन चल रहा है ना, डिसीजन चल रहा है ना, आपने उनको कम्युनिकेशन क्यों नहीं है? कम्युनिकेशन गैप क्या था सर? नहीं, मैं इस तरह का डिसीजेंसी तो बिल्कुल नहीं है। अभी इलेक्शन आने वाला है, 4-5 दिन में अनाउंस हो जाएगा इलेक्शन, इसमें डिसीजेंसी का बिल्कुल सवाल ही नहीं है। जहाँ तक फायरिंग ऑर्डर देना नहीं देना, ये CM या होम मिनिस्टर को देता नहीं है जी। वो एज पर प्रोटोकॉल मैजिस्ट्रेट जो एस ऑन वेन उनको लगे वो तो मैजिस्ट्रेट ही ये सब फायरिंग ऑर्डर देता है जी सर। तो इसमें ना कोई CM, ना कोई MLA, ना कोई मिनिस्टर फायरिंग ऑर्डर देने का किसी का इसमें राइट नहीं है सर। दूसरा सवाल है सर, ये री इंफॉर्मेंस जो लाया गया, पैरामिलिट्री फोर्स जो लाया गया, वो होम मिनिस्ट्री से आता है, जब उन्होंने कहा है कि उनका नॉलेज में कुछ नहीं था, उसके बारे में सर लास्ट। हाँ डेफिनेटली, जब लॉ एंड ऑर्डर जब प्रॉब्लम होता है तो फोर्सेस का तो जरूरत होता है, तो इसको हम लोग तुरंत MHA को लिखित रूप में भेजते हैं और MHA वहाँ से डायरेक्टिव दे के यहाँ पे डिबिट होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंटेन करने के लिए तो हमें तो फोर्सेस तो चाहिए डेफिनेटली, वो तो स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल से ही हम लोग ने भेजा है। सर ये एक्स ग्रेसिया गवर्नमेंट सेफ, आपके गवर्नमेंट कोई टॉपल होने के लिए कोई संभव नहीं है, क्योंकि सूत्र से मिल रहा है कि कुछ गवर्नमेंट टॉपल करने जा रहे हैं अपोजिशन है, और कोई कोई ऐसे बोल रहे हैं सुनने। गवर्नमेंट देखो, एक दो लोगों का हल्ला करने से गवर्नमेंट गिरता नहीं है। संविधान का मुताबिक डेमोक्रेसी में MLA लोग ही इस गवर्नमेंट बनाता है। आप देखिए पूरा MLA BJP का सब यहाँ मौजूद है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर एक्स तीनों जो बचे लोग जो मर गया उनका परिवार जो है एक्स ग्रेसिया लेने से इनकार कर रहा है सर, राज्य सरकार जो देने जा रहा है उसके लिए क्या करेंगे सर? हमें खबर मिला है मीडिया के जरिए से कि फैमिली की ओर से जो एक्स ग्रेसिया अनाउंसमेंट हुआ है उसको एक्सेप्ट वो लोग नहीं करेंगे बोल के। तो वैसे ये अभी ये इस समय थोड़ा सा फैमिली में काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है, उनका जो दर्द को मैं समझ पाता हूँ। तो धीरे धीरे अभी हम भी जैसे सिचुएशन थोड़ा सा ठीक होगा, मैं भी फैमिली को बात करके हम भी उनको मनाएंगे दोनों।